कंचन खाना खजाना में आज आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम बना रहे हैं स्नैक्स। देखिए स्नैक्स बनाने के लिए हमने चार ब्रेड लिए हैं। आप व्हाइट ब्रेड ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, और ये हमने चार से पांच आलू उबाल लिए हैं। तो आलू को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। देखिए इस हिस्से से हमने मोटे वाले साइड से करा है, छोटे वाले साइड से नहीं किया। सारे आलू जो हैं हमने कद्दूकस कर लिए। देखिए इसको हम मिक्सी में घुमा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी इसको यूं कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए मैंने मिक्सी में डाल दिए हैं और ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए चारों ब्रेड जो है हमने इस तरह से उसका क्रम्स बना लिया है। तो चलिए आलू और इसका डो तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारे चार बड़े आलू जो हमने कद्दूकस कर लिए हैं और चार ब्रेड जो हमने इस तरह से मिक्सी में कस लिए हैं। देखिए ये नमक, और ये गरम मसाला, ये थोड़ा सा चाट मसाला, और ये लाल मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। और लीजिए ये धनिया। पूरा डो जो है अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से हम मसल करके डो को तैयार कर रहे हैं। देखिए नीचे से बिल्कुल अच्छे से चिकना होता जा रहा है, हाथ पर चिपकना भी कम हो गया है। आपको लगे कि हाथों पे चिपक रहा है तो देखिए हमने जो ये ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, फ्राई करेंगे स्नैक्स इस तरह से हाथ पर दो से चार बूंदे ले करके फिर से इसको डो को तैयार करें। देखिए इस तरह से हम छोटा सा आटा का इस तरह से जैसे लेते हैं हम लोई बनाते हैं, सेम उसी तरह से लेंगे। जितना आपको साइज बड़ा बनाना है उतना बना सकते हैं। तो देखिए ये देखिए इस तरह से शेप देते हुए सभी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए लीजिए जो ये एक दो रह गए हैं ये भी बना लेते हैं और फिर फ्राई कर लेंगे। लीजिए सारे के सारे हमने स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए एक एक करके गरम तेल में डाल देते हैं। ना ज्यादा गरम है तेल और ना ज्यादा ठंडा, मीडियम रखा है हमने। देखिए स्नैक्स हमारे अच्छे गोल्डन सुनहरे से हो चुके हैं। देखिए इस तरह से ये लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट नगेट हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए सुनहरे हो चुके हैं हमारे नगेट्स। तो चलिए प्लेट कर लेते हैं इनको। ये हमारे नगेट्स, हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। और ये चटनी भी हमने घर पर ही बनाई है, ग्रीन चटनी। आप चाहें तो ये भी हमारे सेगमेंट में डाली हुई है, निकाल करके देख सकते हैं। देखिए हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए वाओ, आप घर पर ही बच्चों को परिवार को इतने स्वादिष्ट नगेट बना करके खिला सकते हैं। बहुत अच्छे स्नैक्स तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीजें पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।